हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस क्वेश्चन में जो आपको बताने वाला हूँ, डी मॉर्गन थ्योरम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में से क्या है। प्रूव दैट 1 + sin θ + i cos θ power n + 1 + sin θ - i cos θ power n = √2π/4 - θ/2 power n इंटू कॉस एन पाई बाई फोर माइनस एन थीटा बाई टू। आपको ये चीज़ जो है आपको प्रूफ करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से अपन इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, पहले जो आपको दिया है एल एच एस में उसको आप देख लो। 1 + sin θ - i cos θ power n आपको दिया हो यहाँ पे। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि आपको कुछ यहाँ फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ पे जैसे sin थीटा दे दिया है, इसको आपको cos थीटा में चेंज करना। तो क्या करोगे आप, 1 + cos ऑफ π/2 - θ। देखो cos ऑफ π/2 - θ इज sin थीटा, वैसे अब यहाँ पे तो क्या करना, i sin ऑफ π/2 - θ। तो दिस इज बेसिकली cos थीटा। यहाँ पे आप इसको बंद करके ऊपर में पावर n कर लो, वैसे ही जो आप यहाँ पे किया उसी चीज़ को यहाँ भी करना है आपको। तो देखो आपको क्या बन जाएगा, ये 1 + cos π/2 - θ - i sin π/2 - θ ब्रैकेट क्लोज पावर में, यहाँ पे क्या आएगा आपका, n आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा लाइन था। अगली लाइन पे देखो क्या करना है आपको। देखो ये जो चीज़ आपको दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको चीज़ दिया हुआ है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, फिर 2 cos²π/4 - θ/2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है। आपको पता होगा कुछ फॉर्मूले जो वहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, cos²θ = 2 cos²θ - 1, और ये अब क्या होता है, 1 - 2 sin²θ भी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देख लीजिए cos²θ का जो फॉर्मूला है ना, 2 cos²θ - 1, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला का यूज़ होगा, दैट इज sin²θ = 2 sin θ cos θ। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं उसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो देखो ये आपका बन गया आपका इस फॉर्मूले से। वैसे आपको देखो इसका लिखोगे, इसको आप लिखोगे i into 2 sin π/4 - θ/2 into cos π/4 - θ/2। आपका हो गया, इसको क्या करना, फिर बड़े ब्रैकेट से इसको आप क्लोज कर लेना, पावर में n लगा देना। ठीक है, देखो तो पावर में आपको n दिया हुआ है, तो आपकी n हो गया। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ इस लाइन के लिए, वैसे इस लाइन के लिए अगेन अपन वो चीज़ को रिपीट करेंगे। तो ये बताओ क्या बन जाए आपका, ये 2 cos²π/4 - θ/2, ये आपका इसके लिए हो गया। वैसे माइनस i into 2 है ना sin π/4 - θ/2 into cos π/4 - θ/2, ये आपका हो गया है। पावर में तुम्हारा क्या आएगा, अगेन n आएगा यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये लाइन अच्छे समझ में आ चुका होगा, और यही है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन का, जहाँ पे आप ये दोनों फॉर्मूले को यूज़ किए हुए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो आप होल से क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 2 को जो मैं बाहर निकालूँ तो क्या आएगा आपका, 2 की पावर n कॉमन निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा, वहाँ पे 2 की पावर n, और देखो एक और चीज़ यहाँ देखो कॉमन निकल, दैट इज cos π/4 - θ/2। देखो अगर मैं cos π/4 - θ/2 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे पावर क्या लगेगा आपको, n लगेगा। बिकॉज देखो जब मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा यहाँ पे,
यहाँ पे सिंगल था जो बाहर निकाल चुका हूँ, यहाँ पे देखो स्क्वायर दिया तो एक निकालने पे आपका एक बचेगा, वैसे यहाँ भी क्या है वो सिंगल था तो ये आपका, अब ये आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ क्या करना, बड़े वाले ब्रैकेट को ऊपर निकाल लो, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा कॉस ऑफ पाई बाई फोर। यहाँ पे एक चीज़ निकाल चुका हूँ मैं, देखो टू तो आपको पूरा कॉमन निकल चुका है, ए टू कॉस भी बाहर निकल चुका, तो क्या बचेगा आपका, आपके पास सिंगल कॉस का फॉर्म बचेगा, दैट इज कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये आपका बचा। वैसे देखो यहाँ तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आई रहेगा, टू जा चुका है, साइन बचेगा तो प्लस आई साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये आपका हो गया इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले फॉर्म के लिए। वैसे क्या करना, सेकेंड वाले फॉर्म के लिए निकाल लो, तो देखो अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या करना है ना, पावर एन लगा देना है ना, पावर यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एन, ये आपका एन हो गया पावर में। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, ये पहला वाला आपका पार्ट हो गया, वैसे क्या करना सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना, तो यहाँ पे तुम्हें क्या आएगा प्लस आएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया प्लस दे दिया है। तो आगे क्या करना देखो, तो यहाँ पे वैसे ही कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, यहाँ का ब्रैकेट में जाएगा विथ माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये आपका हो गया। इसको वैसे आप कर्ली ब्रेसेस इसको आप क्लोज कर लेना पावर में एन, और ये जो ब्रैकेट उसको ओपन की थी वैसे यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ भी हम लोग जो है डी मॉर्गन्स को अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो अगले स्टेप हम क्या करेंगे, इसको अपन अंदर इंसर्ट कर लेंगे, तो टू की पावर एन कॉस पावर एन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, वैसे इसको आप ओपन कर लो, दिस इज कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, इसको बंद कर दिया, प्लस आई साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, आपको हो गया पावर एन प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, या प्लस यहाँ लिख दिया हो, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ओपन कर लो कॉस माइनस वन फिर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ऐसा करना। वैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, प्लस आई साइन नेगेटिव अंदर जाएगा, दिस इज माइनस वन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये आपका हो गया। इसको आप क्लोज कर लिए पावर में एन, फिर यहाँ पर आपका ये बड़े वाले ब्रैकेट से ओपन हो, मतलब बंद हो गया आपका ये। अब देखो आपके यहाँ प्लस हो गया है, अगले स्टेप हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स अप्लाई कर लेंगे। तो फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा, दिस इज टू की पावर एन, दिस इज कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, यहाँ पे पावर में एन रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना, पहले क्या करना, ये एन जो है इसके जो भी रहेंगे यहाँ पे एंगल में जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लो, और नेगेटिव साइन जो आपको दिया है उसको बाहर निकाल दो। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ क्या बचेगा, दिस इज कॉस ऑफ दिस इज एन पाई बाई फोर माइनस एन थीटा बाई टू, देखो ये एन जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा दिस इज एन पाई बाई फोर माइनस एन थीटा बाई टू। वैसे ही यहाँ बताओ तुम्हें क्या होगा, दिस इज आई साइन ऑफ एन पाई बाई फोर माइनस एन थीटा बाई टू, ये आपका हो गया। वैसे यहाँ पे आगे बढ़ो, प्लस देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, दिस इज कॉस, देखो ये नेगेटिव रहा है पॉजिटिव रहा है, हमेशा क्या होगा ये कॉस पॉजिटिव ही रहता है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये दिस इज एन पाई बाई फोर माइनस एन थीटा बाई टू, ये एज इट इज आएगा। मगर देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अब जब यहाँ पे नेगेटिव रखोगे ना तो ये एन जो है इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब ये वन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये साइन जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज माइनस आई साइन, देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन पाई बाई फोर माइनस एन थीटा बाई टू। मैं यहाँ पे बेसिकली एक स्टेप जो है मैं यहाँ पे खा गया हूँ, एक स्टेप जो मैं यहाँ पे कूद गया हूँ आगे, लेकिन आपका करना पहले आप आपस में मल्टीप्लाई करना, फिर अगले स्टेप क्या करना, नेगेटिव को बाहर निकाल के इसको माइनस करना। ओके तो देखो यहाँ पे क्या करना, इसको फिर ब्रैकेट से क्लोज कर लो, तो देखो आपको ये आपस में कैंसिल हो गया, बिकॉज आपको क्या नेगेटिव टर्म है आपको ये पॉजिटिव टर्म है। तो
बाहर निकले तो क्या होगा, 2 की पावर n cos पावर n π/4 − θ/2 आपका एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बचा है, 2 cos बचा हुआ, तो 2 × cos। हेलो गाइस, वेलकम टू MKS ट्यूटोरियल्स। इस क्वेश्चन में जो आपको बताने वाला हूँ, डी मॉर्गन थ्योरम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में से क्या है। प्रूव दैट 1 sin θ + i cos θ power n + 1 sin θ − i cos θ power n = 2 की पावर n + 1 cos π/4 − θ/2 power n × cos n π/4 − n θ/2। आपको ये चीज़ जो है आपको प्रूफ करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन LHS, लेफ्ट हैंड साइड से अपन इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, पहले जो आपको दिया है LHS में उसको आप लिख लो, 1 sin θ + i cos θ power n plus।